हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रिलीजियस हॉरर फैंटेसी मूवी को, जिसका नाम है द डिवाइन फ्यूरी। ज्यादा शक्ति पाने के लालच में मासूम लोगों की आत्मा शैतानों को सौंपकर दुनिया में नफरत का अंधकार फैलाकर राज करना चाहते हैं कुछ शैतान। क्या करेगा योंग जब उसका सामना शैतान जी सिंह से होगा? क्या योंग जी सिंह को मासूम लोगों की आत्मा शैतान को सौंपने से रोक पाएगा या नहीं, आइए पता करते हैं मूवी में। मूवी की शुरुआत योंग और उसके पिता से होती है। योंग वू के पिता बहुत ही धार्मिक इंसान होते हैं और वो चाहते हैं कि योंग भी उनकी तरह बने, ईश्वर पर आस्था रखने वाला। इसलिए वो योंग को अपने साथ चर्च लेकर आते हैं प्रार्थना करने के लिए, जहाँ पर फादर बताते हैं कि अगर सच्चे मन से ईश्वर से कुछ मांगा जाए तो वो आपको मिल जाता है, बस आपको ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। फादर की बात सुनने के बाद योंग वू अपने पिता से कहता है कि आपने माँ के लिए प्रार्थना नहीं की थी, जिस पर योंग के पिता उसे कहते हैं कि मैंने पूरे सच्चे मन से तुम्हारी माँ के लिए प्रार्थना की थी, पर तुम्हारी माँ की प्रार्थना में मेरी प्रार्थना से ज्यादा शक्ति थी, इसीलिए ऊपर वाले ने मुझसे पहले तुम्हारी माँ की सुन ली, जिसे तुम्हें दुनिया में लाना था। इसके बाद योंग के पिता योंग को उसकी दादी के पास छोड़कर अपनी नाइट ड्यूटी के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ये एक पुलिस ऑफिसर हैं। योंग के पिता देखते हैं कि एक कार बहुत तेजी से आ रही है। जब कार रुकती है तो कार में बैठे इस लड़की की आंखें चमकने लगती हैं और ये बहुत हाई स्पीड में कार चलाता है। योंग के पिता इसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान योंग के पिता कार में बैठी लड़की को देखते हैं, जो अपने शैतानी रूप में आने लगती है, क्योंकि ये आम इंसान नहीं है, ये दोनों ही डीमंस यानी शैतान हैं। और फिर कार की स्पीड और बढ़ा देते हैं, जिससे योंग के पिता बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। जब योंग को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी दादी के साथ अपने पिता को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है और अपने पिता को देखकर रोते हुए चर्च आ जाता है, अपने पिता के लिए प्रार्थना करने लगता है। योंग को रोता देख फादर भी उसके साथ प्रार्थना करने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि फिक्र मत करो, ईश्वर तुम्हारे पिता को जल्द ही ठीक कर देगा और वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। योंग को एक सपना आता है, जिसमें उसके पिता उसे बताते हैं कि तुम एक अच्छा इंसान बनना, हमेशा लोगों की मदद करना। योंग अपने पिता का जैसे ही हाथ छूता है तो रेड लाइट ग्लो होने लगती है और उसके पिता देखते देखते गायब हो जाते हैं। अगली सुबह योंग को पता चलता है कि उसके पिता मर चुके हैं। जब योंग फादर को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वहां रखे क्रॉस को उठाकर वो फादर को मार देता है और कहता है कि तुम झूठे हो, इतनी प्रार्थना करने के बाद भी ईश्वर ने उसकी नहीं सुनी। योंग का अब ईश्वर से विश्वास ही उठ जाता है। इसके 20 साल बाद हम योंग को देखते हैं, जो अब एक प्रोफेशनल बॉक्सर चैंपियन बन चुका है, जो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा। इसके बाद हम देखते हैं कि योंग अपने चैलेंजर के क्रॉस टैटू देखता है तो उसे अजीब सी आवाजें आने लगती हैं कि अपने पिता की मौत का बदला लो, और इसकी आंखें वैसे ही रेड हो जाती हैं जैसे इसके पिता के कातिल की हो गई थी। इसका मतलब शैतान इस पर भी हावी होने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए क्रॉस का निशान देखकर योंग अपना आपा खो देता है और वो बुरी तरह अपने चैलेंजर को मारने लगता है। तभी बीच में आकर रेफरी इस चैलेंजर को बचा लेता है। इसके बाद हम योंग को देखते हैं, जिसे फिर से सपने में अपने पिता दिखाई देते हैं और फिर वो अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। योंग को फिर से आवाजें आने लगती हैं कि ऊपर वाले ने तुम्हारे पिता को मार डाला, उनसे बदला लो। आवाजों से परेशान होकर योंग गुस्से में एक क्रॉस को उठाकर फेंकने लगता है, पर क्रॉस उसके हाथ पर ही चिपक जाता है और योंग की अंदरूनी शक्तियां जागने लगती हैं, जिसकी वजह से उस पर हावी होने वाला शैतान भाग जाता है। पर थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुल जाती है, क्योंकि वो सपना देख रहा था, पर वो देखता है कि उसके हाथ पर सपने में लगी चोट का निशान रियल में है। इसके बाद जब रात को योंग सो रहा होता है तो हम देखते हैं कि शैतानी साया फिर से योंग पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, पर तभी योंग के हाथ से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर डर की वजह से वो शैतानी साया भाग जाता है। इसके बाद योंग डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये जख्म और ज्यादा गहरा क्यों होता जा रहा है। इसके अगले दिन फिर से शैतानी साया योंग को परेशान कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका जख्म पहले से और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। सारे टेस्ट होने के बाद भी डॉक्टर को समझ नहीं आता कि योंग को क्या परेशानी है, हर बार सारी रिपोर्ट नॉर्मल सेम ही आती हैं। इसलिए योंग अपने ड्राइवर से उसकी भांजी के पास जाने को कहता है, क्योंकि वो आत्माओं को देख सकती है। जब ये इस लड़की के पास आता है तो ये देखती है कि योंग को चारों तरफ से शैतानी साया ने घेर रखा है और ये कहती है कि तुमने ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया, इसलिए शैतान तुम पर हावी होते जा रहे हैं। तुम्हारी आवाज़ के जरिए वो तुम्हें गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं। और ये लड़की योंग के घर के पास ही चर्च में जाकर फादर एन से मिलने को कहती है, क्योंकि अब फादर एन ही योंग की मदद कर सकते हैं। योंग जैसे ही उस चर्च के पास पहुंचता है तो बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और इनसे बचने के लिए योंग अपनी कार में बैठ जाता है। और इधर हम चर्च में फादर एन को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट फादर जोई के साथ लड़के के ऊपर से
शैतान भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ये शैतान इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि फादर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाते और ये उल्टा फादर पर ही हमला कर देता है। पर फादर चोई फादर एन को बचा लेते हैं, लेकिन ये शैतान फादर चोई पर भी हमला कर देता है। शैतान का असली रूप देखकर फादर चोई डर की वजह से यहाँ से भाग जाते हैं और ये शैतान फादर को मारने ही वाला होता है, पर तभी बीच में योंग आकर फादर को बचा लेता है और जैसे ही ये शैतान को पकड़ता है, इसके हाथ से निकलने वाले खून से शैतान जलने लगता है। तभी फादर इस पर पवित्र जल डाल देते हैं, जिससे शैतान पूरी तरह जलकर खत्म हो जाता है और इस लड़के को शैतान से मुक्ति मिल जाती है। फिर योंग अपनी चोट फादर को दिखाता है, जिसे देखकर फादर कहते हैं कि ये पवित्र चिन्ह है जो गॉड के हाथ पर था और ये निशान उन्हीं को मिलता है जो ईश्वर पर सच्चे मन से आस्था रखते हैं। जिस पर योंग कहता है कि ये मेरे हाथ पर कैसे आया, क्योंकि मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। तभी योंग को शैतान की आवाज आने लगती है जो फादर को मारने को कहते हैं, पर फादर एक मंत्र पढ़ते हैं जिसकी वजह से योंग को शैतानी आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। इसके बाद फादर योंग की परेशानी को देखते हुए उसके घर आकर एक फोटो के पीछे क्रॉस रख देते हैं, जिसके बाद से योंग को कोई भी बुरा सपना नहीं आता। इधर हम फादर चोई को देखते हैं जो शैतान को देखकर इतना डर गया है कि वो फादर से मना कर देता है कि आगे से वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। इसके बाद हमें जी सिंह को दिखाया जाता है और ये वही इंसान है जिसने योंग के पिता को मारा था। जी सिंह के पास द होन आकर एक ऑफर लाता है कि आप अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमें दे दीजिए और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, जिसके लिए आपको $30,000 हर महीने हमें देने होंगे। इसी के साथ ही जी सिंह को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं करा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी सिंह भी मान जाता है क्योंकि इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जी सिंह अपनी शैतानी शक्तियों से उसे यकीन दिला देता है कि उसका पार्टनर इवान उसे धोखा दे रहा है। दरअसल जी सिंह शैतान की पूजा करता है और अपनी शैतानी शक्तियों और ज्यादा बढ़ाने के लिए वो इंसानों की आत्माओं को शैतान के हवाले कर देता है, जिससे वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जी सिंह की बातों में आकर द होन इवान को मार देता है। इसके बाद हम जी सिंह को देखते हैं जो एक इंसानी दिल के साथ एक रिचुअल करके द होन की आत्मा उसके दिल से जोड़ देता है, जिससे वो बेजान दिल धड़कने लगता है और फिर जी सिंह इस दिल पर चाकू से वार करने लगता है, जिसका असर द होन पर होता है। जी सिंह आखिरी वार करके द होन को मारकर उसकी आत्मा शैतान को सौंप देता है। बदले में शैतान जी सिंह को ज्यादा ताकतवर बना देता है। इसके बाद हम योंग को देखते हैं, जिसे रास्ते में फादर मिलते हैं। योंग फादर को कार में बैठा लेता है और जहाँ फादर को जाना होता है वहीं फादर को छोड़ देता है। जब फादर जाते हैं तो योंग को उनमें अपने पिता की झलक दिखाई देती है, इसलिए योंग भी इनके साथ चलने को तैयार हो जाता है, क्योंकि फादर जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है और इस काम को दो लोग मिलकर करते हैं। पर फादर का असिस्टेंट डर की वजह से इनका साथ छोड़कर चला गया, इसीलिए उस असिस्टेंट की जगह अब योंग इनके साथ काम करेगा। फादर योंग के साथ एक लेडी के घर पहुंचता है जो बहुत डरी हुई होती है, क्योंकि उसकी बेटी को शैतानों ने पूरी तरह काबू कर लिया है। जब फादर उसके पास जाते हैं तो वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल होती है और वो फादर से कहती है कि उसकी माँ डिप्रेशन में है, इसीलिए वो अलग अलग अजीब हरकतें करती है। उनकी बातों पर विश्वास मत करो, और वो क्रोध भी पकड़ लेती है जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। फादर समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। बाहर आकर वो अपना पवित्र जल निकाल लेते हैं और योंग से कहते हैं कि ये शैतान बहुत ही ताकतवर है, वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आने वाला, इसीलिए हमें इसे पवित्र जल पिलाना होगा जिससे वो बाहर आ सकता है। योंग उस लड़की को पकड़ लेता है और फादर जबरदस्ती उसके मुंह में वो पवित्र जल डाल देते हैं, जिससे ये शैतान अपने असली रूप में आ जाती है और इन दोनों पर हमला कर देती है और योंग से कहती है कि तुम्हारे बाप को शैतान ने मेरे कहने पे ही मारा था। ये सुनने के बाद योंग भड़क जाता है और इस शैतान को मारने लगता है, पर बीच में फादर आकर इसे रोक लेते हैं। इसके बाद योंग इस शैतान को अपने पवित्र निशान से जलाने लगता है और फिर फादर पवित्र जल इस लड़की पे डाल देते हैं, जिससे ये शैतान से मुक्त हो जाती है। इसके बाद फादर योंग से कहते हैं कि ये सब कोई डार्क बिशप कर रहा है जो शैतानों की पूजा करता है और मासूम लोगों की आत्मा उसे सौंपकर और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। हमें जल्द ही उसे ढूंढकर रोकना होगा। इसके बाद फादर इस लड़की से बिशप के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, जो कि जी सिंह है, जो बहुत गुस्से में है क्योंकि फादर ने उसके कई सारे शैतानों को भस्म कर दिया है। ये लड़की फादर को कुछ न बताए, इसलिए वो एक डोल के जरिए इस लड़की को मारने की कोशिश करता है, पर फादर इसे कुछ मंत्र पढ़कर बचा लेते हैं और ये जी सिंह को फिर से मार दे देते हैं, जिससे जी सिंह का दिमाग घूम जाता है और वो फादर को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगता है। इसके बाद हम चर्च में देखते हैं कि 4-5 बच्चे मिलकर एक बच्चे को मार रहे हैं और थोड़ी देर बाद महाजी सिंह आ जाता है और वो इस बच्चे
को शैतानों के हवाले कर देता है ताकि ये फादर को मार सके। इधर जीसिन योंग के पास आकर कहता है कि फादर की बातों पर भरोसा मत करो, फादर से दूर ही रहो, इसमें तुम्हारी भलाई है, वो तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम फादर को देखते हैं जो योंग को फोन कर रहे हैं, पर ये उनका फोन नहीं उठाता क्योंकि ये जीसिन की बातों से कंफ्यूज हो चुका है और ये फादर से दूर रहने के लिए एक फाइट के लिए कोच से बात भी करता है। इसीलिए फादर इस बच्चे के पास आ जाते हैं शैतानों को मुक्त कराने के लिए। फादर जल्द ही इसके ऊपर का शैतान भगा देते हैं, पर तभी फादर को पता चलता है कि इस पर एक शैतान नहीं बल्कि कई सारे शैतान एक साथ इस बच्चे के शरीर पर कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद हम योंग को देखते हैं जो फाइट करने से मना कर देता है और इस कोच को भी जीसिन ने अपने वश में कर रखा था ताकि ये इसे फादर से दूर रख सके। और फिर फादर की इतनी सारी कॉल करने के बाद योंग फादर को बैक कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि फादर बहुत बड़ी मुसीबत में है। सिस्टर योंग को बताती है कि फादर के साथ सारी सिस्टर बेसमेंट में फंस चुकी हैं। ये सुनकर फौरन योंग फादर के पास जाने लगता है। फादर भी काफी थक चुके हैं इन शैतानों को काबू करते करते और फिर ये बच्चा फादर को बुरी तरह मारने लगता है। बीच में सिस्टर आकर इसे क्रॉस दिखाकर रोकने की कोशिश करती है, पर ये बच्चा बेकाबू होकर सिस्टर को ही मारने लगता है। तभी वहाँ योंग आकर इस बच्चे को रोक लेता है और अपने पवित्र चिन्ह से इस बच्चे के ऊपर हावी होने वाले सारे शैतान को भस्म कर देता है। पर इस बार जीसिन इस बच्चे को मारने के लिए एक डॉग को वश में कर लेता है जो इस बच्चे को मार देता है और फिर जीसिन इस बच्चे की आत्मा शैतान को सौंप देता है जिससे शैतान खुश होकर इसे एक खंजर देता है। और इस बार जीसिन फादर को मारने के लिए खुद आता है जबकि फादर इस बच्चे से बात कर रहे होते हैं जिसे जीसिन ने अपने जादू के जरिए कुछ देर के लिए जिंदा किया है। मौके का फायदा उठाते हुए जीसिन फादर पर पीछे से हमला कर देता है। फादर की आवाज़ सुनकर योंग फादर के पास आ जाता है तो योंग देखता है कि जीसिन फादर को मारने वाला है। जीसिन योंग से कहता है अगर फादर को बचाना चाहते हो तो अभी शपथ लो कि तुम ईश्वर पर यकीन नहीं करते, तुम उसे नहीं मानते। पर योंग की शपथ लेने से पहले ही फादर खुद ही वो खंजर मार लेते हैं ताकि योंग शपथ ना ले और इसके बाद जीसिन यहाँ से चला जाता है। फादर के कहने पर योंग इन्हें फादर चोई के पास लेकर आ जाता है। फादर एन की हालत काफी खराब है। फादर योंग को अपनी स्पेशल क्रॉस वाली रिंग देते हैं और जीसिन को मारने को कहते हैं। फादर चोई भी अपना पवित्र सूट योंग को दे देता है जो उसे फादर ने दिया था। इसके बाद योंग पवित्र सूट पहनकर जीसिन को मारने के लिए निकल जाता है। जब योंग जीसिन के क्लब आता है तो जीसिन ने पहले ही अपने शैतानों को उसके लिए छोड़ रखा था। जीसिन जानता था योंग उसे मारने के लिए जरूर आएगा। जीसिन के सभी फाइटर बहुत तेज होते हैं पर योंग भी एक चैंपियन है और ये इन लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है और अपने पवित्र चिन्ह पर पवित्र पानी डालकर इन सभी लोगों को शैतानों से मुक्त कर देता है। जीसिन भी अपनी खून से एक रिचुअल करके खुद को एक शैतान को सौंप देता है और फिर जीसिन भी एक खतरनाक शैतान में बदल जाता है और ये योंग पर हमला कर देता है। जीसिन इतना पावरफुल हो जाता है कि योंग के पवित्र चिन्ह से भी इस पर कोई असर नहीं होता। जीसिन इसे अपने जहरीले दांतों से काटकर बेहोश कर देता है। तभी योंग को फिर से उसके पिता दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर योंग काफी इमोशनल हो जाता है। तभी योंग के पिता उससे कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और फिर जब योंग को होश आता है तो इसकी पावर पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर ये जीसिन को बराबर की टक्कर देता है। जीसिन भी अपने तेज पंजों से योंग को काफी जख्मी कर देता है पर योंग भी इसे मारकर ही दम लेगा, वो भी इस पर लगातार हमला करता रहता है। काफी देर लड़ने के बाद योंग फादर की स्पेशल क्रॉस वाली रिंग को अपने पवित्र चिन्ह से जोड़कर जीसिन को एक जोरदार पावरफुल पंच मारता है और जीसिन के अंदर से वो जादुई खंजर भी निकाल लेता है जिससे इसकी मौत हो जाती है और जल्द ही शैतानी हाथ जीसिन को अपनी अंधेरी दुनिया में ले जाते हैं। इसके बाद हम फादर को देखते हैं जो जीसिन के मरने के बाद ठीक हो चुके हैं। फादर को देखकर योंग भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि योंग फादर एन को अपने पिता समान मानता है। और इसी के साथ इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।